अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं चाइना की मंडी में, जो है यहां पे सब्जी मिलेगी, गरम मसाला। जिसको मालूम नहीं है भाई, एक्चुअली यहां पे देखिए, मैं बताता हूं, मेरे को भी पता नहीं था। यहां पे हमारे इंसाइक्लोपीडिया है, उनका नाम है शेरी भाई, जो है उनको पता है, तो वो मुझे लाए हैं। और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ ये मार्केट में। बहुत ही बड़ी मार्केट है और यहाँ पे हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, जैसा कि दालचीनी, ज़ीरा है, और अपने धनिया पाउडर है, और काली मिर्च है, बहुत सारे चीज़ें हैं। ये है काली मिर्च, और ये देखिए, ये है अपने दालचीनी, बहुत सारे चीज़ें हैं। पूरा ये गरम मसाला, ये है ज़ीरा, और ये है ज़ीरा पाउडर, और ये है तिल है, और ये सौंफ है, और ये पूरे मिर्च हैं। बहुत ही बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट मैंने कभी देखी नहीं है पहले। बहुत ही बड़ी मार्केट है। और हम लोग ले रहे हैं सामान, वसाबी शायद, ग्रीन वाली होती है, ट्यूब ग्रीन खोलो, ट्यूब नहीं पंगे हो। चिकस समा, चिकस वसाबी मा, चिकस वसाबी कैसे हाई शंग ही चीज था नगा लीव सा था नगा से लीव सा था मा ये जगह इगा तो आ जाना लबाया बहुत ही बड़ी। पूरा सामान, हर सामान अवेलेबल है, हर सामान अवेलेबल है यहाँ पे। पीछे तो आपको पेमेंट करना हो तो बस यहाँ पे चाइना में बस वीचैट है, वीचैट से आप पे कर सकते हैं, कैशलेस, नो नीड टू पे कैश। आपका टाइम भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा, पेमेंट भी हो जाएगा। देखिए पेमेंट कर दिया है शेरी भाई ने, और हमने कुछ सामान लिया है, गरम मसाला, बहुत सारा खाने पीने का सामान है यहाँ पे। मैं देख के हैरान हूँ, इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे, मैं खुद फर्स्ट टाइम आया। धनिया, अच्छा धनिया, चलो देखते हैं। धनिया धनिया वो लॉन्ग भी है यहाँ पे? हाँ लॉन्ग भी है, लॉन्ग अभी मेरे पास है घर में, लॉन्ग भी अवेलेबल है। ये भी है, स्टार्ट होता है यार। ओहो, यहाँ पे तो हर चीज़ अवेलेबल है भाई, जीरा मिर्ची उर्ची काफ़ी। वाह ग्रेट, अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह, कुछ लेंगे। हमारे हैदराबाद में है एक मंडी, जो सबको पता होगा, उस तरीके की मंडी है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है। ये मेरे हिसाब से 10-20 गुना बड़ी है यहाँ पे। तो अभी सूखा सामान मिल रहा है, ऊपर भी वेजिटेबल है, और क्या क्या ऊपर शेर में? सी फूड है, वेजिटेबल है, फ्लावर मार्केट है, एक्वेरियम का सामान है, इधर हर चीज़ आपको मिलेगी, और गोश्त है, अंडे सब, सो ए टू जेड है, पोल्ट्री का सामान, हर सामान मिलेगा। ये देखिए चाइनीज पूरे जड़ी बूटियाँ, ये वो पटरम पटरम खाते हैं, ये हलीम में, अच्छा ये वो है गेहूँ, ये हलीम का गेहूँ है, और ये फली है, ओहो पूरे पलसे से दालें हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। इचिन जो कोला इचिन था तो ला नी हाओ, हेलो हाउ आर यू, वेरी गुड, हन हाओ। देखिए चाइनीज़ बच्चे इंग्लिश बात सीख रहे हैं, और बहुत ही खुश होते हैं जब भी हम इंग्लिश बात करते हैं। जी ओहो, ये भी वो कौन सी मान, वो दाल है, तू बांस की दाल, ये कुछ है ना, है ना दाल, ये है दाल, ये है तंदूर, तो आ जाए, और ये खजूर, सूखे खजूर, और ये फूल चाय, यहाँ पे गर्म पानी में ये लोग ये डाल के पीते हैं, जिन्हें लोग काजू है, ये काजू है, बहुत सारे चीज़ें, ये पिस्ता है, बहुत सारे चीज़ें,
ये अंजीर भी है, देखिए यहाँ पे अंजीर है, बादाम है और अखरोट है। How old are you? 40 How old are you? I'm 8 years old. 10 years old. 10. बच्चों को बहुत शौक है इंग्लिश सीखने का। और ये है दुकान। ये मार्केट है फूथियान में, शेंजन के फूथियान जिंगथेन में। ये पूरे झींगे, छोटे वाले झींगे, और ये है शेल्स का, ये भी झींगे झींगे छोटी मच्छी। पूरा ये मच्छी की दुकान है, पूरा आपको सी फूड मिलेगा, ड्राई सी फूड, बेहतरीन एंड ब्यूटीफुल। ये डलता है सूप के अंदर ना, ये डलता है सूप के अंदर, ये झींगा। हाँ, ये झींगा छोटा वाला सबसे छोटा होता है। ओके, ये सूप में डलता है, इससे सूप का बहुत टेस्ट निकलता है। ओके, परफेक्ट। दिल खुश खुश हो गया मेरा ये मार्केट देख के। शेर भाई, बर्तन है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। ये एक्वेरियम का सामान है, पीछे फ्लावर मार्केट है इसके। अच्छा, ये पूरा मच्छी, आपको एक्वेरियम चाहिए या कुछ भी सजाने का सामान चाहिए तो मिलेगा। मार्केट है और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ अलग सामान है, ये आ गए हैं हम ऊपर। अच्छा, और चाइनीज जो ड्राई है ना, लेफ्ट साइड में, ये इस साइड। अच्छा, इस साइड में वेजिटेबल है इसमें। ओके, और पीछे फ्रूट्स है, ये अभी लेकर चलते हैं। ये सारी महंगी महंगी आइटम है। ओके, डिफरेंट किस्म की, ये चाइनीज मेडिसिन में डलता है, सूप में डलता है, ये वाली नहीं, चाइनीज लोग खाते हैं। हाँ, ओके, आप फ्रूट देखिए सर, पूरी ये सब कलम देख रहे थे ना, बड़ा महंगा महंगा ये ना सामान सर, ये सब उसकी वजह से। अच्छा, यहीं से लेकर जाते हैं सर। अच्छा, वो लोग, ये भारी भारी जड़ी बूटियाँ हैं, अखरोट हैं खाने के लिए,
खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, बेहतरीन चीज़ें हैं। ओह शार्क का, हाँ शार्क फिन है ना, शार्क है। देखिए सी फूड है काफ़ी, आपको पूरा ऑलमोस्ट ये मशरूम्स है, और यहाँ की ये जिनसिंग है, और ये है बहुत सारे, ये है ककम्बर, ये है पानी का खीरा है, बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए, और ये सी शेल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तकरीबन चीज़ों के नाम भी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ खाने से आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, और चीनों का राज यही है, ये लोग एक्टिव रहते हैं। ये देखिए पूरा तकरीबन सी फूड है ये, और ये जिंजर है क्योंकि, और ये देखिए आप शार्क का फिन है ये बड़ा था, मैं भी फर्स्ट टाइम अभी देखा हूँ, आई एम गोइंग टू टच दिस। वाओ चीज़ा तो था छा लोबन, हाँ आधा किलो, ये है कितना आधा, 1000 RMB ऑलमोस्ट 11000 रुपये का हो गया, आधा किलो 11000 रुपये का। चिका ये तो समावन थी समस, वैसे मक्को ही सूप में डलता है इसका, सूप बनता है सूप का ना, मिलता है अच्छे रेस्टोरेंट में मिल जाता है। अच्छा तो ये भाई ये सूप के लिए है, अगर आप पियेंगे तो आप ज़बरदस्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अच्छा अदरक और सूंड ये सूंड है ये, वाह अच्छा सूंड है ये वाली, ये मुख्तलिफ जगहों का है, देखो यूनान का, ये यूनान का सूंड है, मुख्तलिफ एरिया का, ये अलग अलग सब डिफरेंट। शीशी नी लावान, थैंक यू, बाय बाय। भी इसको अच्छा। इसको छील के ये बिल्कुल फ्रेश नारियल जूस, नारियल का जो पानी है, इससे हम कभी कभी पीते हैं यहाँ पर आके, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ओके। लोग यहाँ से बोतलों में भरवा के लेके जाते हैं, लेकिन हम अभी इसको हम अभी जो है इसको, ये अभी बुढ़ा काट के देगा सारा इसको छील के, ये भी सफाई वाले आ गए हैं अच्छा। तो इसको अभी देखते हैं
ये नारियल भाई नारियल तोड़ते हुए देखिए काफी बड़ा है बहुत ही हेवी है अमेजिंग बेहतरीन टेस्ट है बहुत ही अच्छा टेस्ट है हमेशा आप लोग अच्छी अच्छी चीजें खाइए बस हमेशा आप लोग यंग रहेंगे अच्छे रहेंगे शेरी भाई ने पिलाया है मैं पैसे भी शेरी भाई ने दिया है मैंने नहीं दिया भाई इज़ अ वेरी काइंड पर्सन मैं अभी इनका नाम रख दिया हूँ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चाइना ही नोज एवरीथिंग मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से हूँ लेकिन मुझे मार्केट का पता ही नहीं था अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपेंस इन लाइफ आप सोच भी नहीं सकते हैं और चीजें हो जाती हैं आज फ्राइडे हम लोग नमाज पढ़ के निकले और हमने सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ आएंगे और ऑलमोस्ट आ चुके हैं और नारियल पानी भी पी रहे हैं जाएंगे वेजिटेबल सेक्शन ओके सॉरी बाजू में पूरा फ्रूट है पूरा फ्रूट का सेक्शन है अभी आगे हम जाएंगे वेजिटेबल वाले में चाइना एक्सप्लोर करते करते बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे आप लोग भी मेरे वीडियो से लुत्फ उठाइए घर मेड है चाइना देखिए मार्केट देखिए कि हर मुल्क के दूसरे मुल्क के लोग कैसे होते हैं क्या है अब ये तरकारी का सेक्शन चालू हो गया है पूरा तरकारी तरकारी है यहाँ पे पूरा पोल्ट्री अंडे भी है यहाँ पे वाह बड़े ये कौन सा अंडा है भाई एक मिनट मैं पहली बार ये भाई बतख का अंडा भी देखिए बतख का है ये वाला ये बतख का है वाह ये देखिए बड़े बड़े अंडे शलजम शलजम कहाँ है यहाँ पे नून शलजम ये क्या रहते हैं नहीं होती है? ये तो अपने वाली डार्क आती है ना शलजम अपने वाली तो पर्पल कलर में हाँ पर्पल में आती है ये ज़रा अलग है वो भी सकता है यहाँ का थोड़ा हवा पानी अलग है तो यहाँ पे कलर भी बदल गया होगा गोल में ये रूट जिसकी मैं बात कर रहा था ना अच्छा ये बैम्बू का रूट है तो इसको भी ऐसे खाते ताकत पर बहुत ताकत अच्छा बैम्बू रूट भी खाना अच्छी चीज़ है भाई बोल रहे हैं पूरी सब्जी उसमें डलता है इसका सूप बनता है जैसे हमारा अरबी अरबी बोलते हैं ना आप हाँ हाँ अरबी का सूप होता है इसका आलू टाइप टेस्ट होता है बड़ा मज़ेदार होता है ये वाला आइटम ओके
हरी तरकारी। ये है कोतमीर, चाइना में अभी अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास के भी ठीक है, लेकिन यहाँ के भी खाना चाहिए। पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पीते जाओ। बहुत पानी है। और ये गन्ना भी है यहाँ पे। ये जो हमारे वहाँ सिंगाड़ा होता है ना, सिंगाड़ा जी, ये वो सिंगाड़ा है। कौन सा वाला? ये जो है, ये इसका छिला हुआ है। अच्छा, ये है सिंगाड़ा टाइप का, ये छिला हुआ है। और ये है अपने शुगर केन गन्ना। ये चेस्टनट है। ये चेस्टनट है जीना है इसके पास होता है। अच्छा, इसके पास ये मेथी है क्या? ये वाली ये मेरे का मेथी है। मेथी है, आई थिंक कोतमीर है, ये पालक है, और यहाँ सोया भी है। सोया भी, अरे है पुदीना भी है यहाँ पे। ये पुदीना भी है, है पुदीना, सोया भी है। पुदीना चाहिए? नहीं अभी नहीं, पुदीना बहुत कम मिलता है। ये है शक्कर कंदी, ब्यूटीफुल। ये बहुत ही अच्छी है सेहत के लिए। वो पर्पल है और ये रेड है, तो ये दो किस्म की है। यहाँ पे हर किस्म के अंडे। ये कौन से छोटे वाले? ये क्विल के अंडे हैं, जिसको हम फाख्ता के अंडे बोलते हैं। फाख्ते, तो ये अपन खा सकते? क्यों नहीं खा सकते। हाँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, और ये है तरकारी, इसकी बनती है बहुत ज़बरदस्त। इसको उबाल के अच्छा। तरकारी में मशरूम के साथ बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त होता है ये। अच्छा, तरकारी मशरूम, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बल्कि इस पकौड़े बनाता हूँ उसके। अच्छा, थोड़े बेसन में, बेसन में ना इसके पकौड़े भी बनते हैं। अच्छा, मैंने खाया नहीं कभी। आपको मैं ले रमज़ान में लेकर आया था ना, मैं इसी के थे वो। हाँ, ये देखिए उबाल के तरकारी बनती है इसकी। ये पाख्ते के जैसे अंडे हैं, ये छीटे वाले, ये खाने से सेहत भी अच्छी रहती है। हमारे पास नहीं मिलते हैं, हमारे पास ये फार्मिंग नहीं खाते हैं इसकी। ऐसे थोड़ी घोंसलों से थोड़ी लेकर आते हैं, फार्मिंग होती है। अपने पास जो इलीगल भी है शायद खाना, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, इलीगल नहीं। चाइना में खा सकते हैं अंडे, आप जो बोले खा सकते हैं। नहीं, यहाँ पे तो हर चीज़ खा सकते हैं। ये आप खा सकते हैं चाइना में। देखिए पेमेंट्स का सिस्टम अगेन वी चैट, आप पे कर लीजिए। ऐसे ये स्कैन होगा, ऐसे आप पैसे दे दीजिए, टाइम आपका सेव हो जाएगा। आपको चेंज के लिए थैना नहीं है, वो नहीं है, वो भी खुश, आप भी खुश। चलिए, लगा हुआ स्पीकर आवाज़ आ जाता है, और वहाँ पे स्पीकर में उनको आवाज़ आ गई है, पैसे हमने दे दिए हैं। मेरे को कोई बता नहीं, जिक्र ही नहीं करे, कोई MLA भी नहीं बोले मेरे को। बताना चाहिए ना जी भाई, मैंने तो आपको कई दफा बोला, मैंने कहा चलो आज मैं आ रहा हूँ। लकी लिए मैं, बेगम आती है ले जाती है। देख ले, ये भी बहुत अच्छी तरकारी बनती है। ये वाला ये क्या चीज़ है? ये क्या, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। ये भी एक बैम्बू टाइप का कुछ है, ये इसकी फैमिली का। बड़ी मजेदार तरकारी बनती है। अच्छा, सेब भी है, शलजम आई थिंक यही होगा, चाइना का शलजम। थोड़ा कलर अलग है लेकिन चाइना का शलजम यही ट्राई करते हैं। और ये है खीरा, या ये ककड़ी है, वो है ना, तुरई है शायद, खीरा है, खीरा है। और ये फल्ली, ये हाँ, तो आज क्या शलजम गोश्त बना रहे हैं? इसका क्या बना रहे हैं? शलजम गोश्त, सूखा पाव तो हो गया 5.8। ये देखिए यहाँ पर भी हर कोई कैश लेता नहीं है यहाँ पे, सब एवरीबॉडी इज टेकिंग
digital money that is called WeChat. और स्पीकर में आवाज़ अभी जो आई है वो स्पीकर में उनको मालूम पड़ गया कि हमने पेमेंट कर दिया. कौन सा ग्रीन वाला तो अंदर पता नहीं कैसा है. हाँ ये है एक्चुअली शलगम हमारी तो पर्पल होता है ना उधर तो काट के देखना पड़ेगा. एक ले लो मेरे को क्या बोलते एक पीस ले लो तो मालूम पड़ जाएगा. नहीं हमारा कच्चा है क्या मैंने कहा हमने कच्चे बहुत खाए बचपन में ना. ये देखिए बेर भी है यहाँ पे काफी बेर और ये जाम है यहाँ पे जाम है जाम अमरूद क्या हम लोग जाम बोलते हैं. और ये ये देखिए ये बूढ़ी माँ का खाने का राज ये चीज़ें खा खा के ये तंदुरुस्त हैं. कौन सा लेमन. ये देखिए यहाँ पे नींबू एक युआन एक आरएमबी मतलब 10 रुपए का एक है लेकिन बेहतरीन फ्रेश बड़ा है साइज भी बेहतरीन है इसका. समर में ये 3 आरएमबी का यही मिलता है. अच्छा समर में हाँ अभी लो आप विंटर में देखो 1 आरएमबी में फ्री में समझ लो आप इतना सस्ता लेमन मिलता नहीं है. ये है 1 युआन तो ये छोटे संतरे हैं और ये बेर हैं देखिए जो हमारे पास बोलते हैं वो सुआ बेर या कुछ नाम बोलते हैं तो ये वही बेर हैं. और ये छोटे टमाटर हैं सिर्फ यहीं पे मिलते हैं. और भाई साहब लंच कर रहे हैं यहाँ पे सबके पास. देखिए वीचैट है ये वीचैट का क्यूआर कोड है ऐसा लगा होता है और ये स्कैन किए और हमने पे कर दिए और वो आवाज़ आएगी स्पीकर में फिर वो ये स्पीकर में आवाज़ आई हमने पे कर दिया उनको पैसा उनके अकाउंट में आ गया. फिर आपको जो भी ख़रीदना है दूसरी जगह से करिए. मशरूम भी हैं फ्रेश हर किस्म के. आपने मशरूम कभी देखे ही नहीं होंगे लाइफ में. देखिए कितने किस्म के हैं जब यहाँ पे भिंडी भी है अवेलेबल भिंडी भी है. ये पपाई टमाटर गाजर ये है खीरा और ये पत्ती पता नहीं कौन सी है. प्याज देखिए एकदम प्याज पहले इंडिया में महंगी है प्याज देख लो भाई देख के खुश हो जाओ. वेजिटेबल पड़ा हुआ है कोई फ्रेश है कुछ नहीं हमारे उधर में हम लोग लेते हैं सड़ा भूसा होता है पालक. नहीं सही बात है हमारे भी ऐसे ही हालत है ना कोई ना सफाई रखता है तो वाला कीड़ों ने खाए होते हैं पत्ते. यहाँ देखो ये लोग बिल्कुल साफ सुथरा चीज होता है. आलू आप घर में इजी डिश है ये बना सकते हैं. कौन सी वाली अंडे के साथ में इसको बारीक बारीक काट के ना. अच्छा अंडा तोड़ के अंडे के अंदर फेंट के. अच्छा अंडा फेंट के ना okay. उसके अंदर डालो इसको बारीक बारीक काट के बिल्कुल छोटा okay. छोटा सा ओके okay. और जैसे ऑमलेट बनाते हैं बहुत टेस्टी बनता है. कौन सा ये वाला ये बम्बू है ये वाला ये भी बम्बू है और ये भी एक बम्बू की टाइप है दोनों ही बम्बू ये सारा बम्बू ये वाला तीनों चारों बम्बू सेहत के लिए अच्छा होता है. इसको कैसे खाते हैं बम्बू को ये बम्बू पे ना ये तो चाइनीज स्टाइल में बनाते हैं इसको भून के. नहीं अपन बनाएंगे तो कैसे बनाना चाहिए अपन नहीं को तो मैंने कभी नहीं खुद नहीं बनाया चाइनीज में बेगम ही बनाती है ये चीज़ मुझे पता नहीं है इसका. भिंडी देखो भिंडी भी है जबरदस्त भिंडी है यार ले ही लूँ मैं दिल ही आ गया मेरा कहने भाई का दिल आ गया है भिंडी पे अभी भाई भिंडी को इसकी
नहीं भिंडी गोश्त बनेगा छोटी छोटी भिंडी है बड़ी मजेदार भिंडी हम लोग एक डिश बनाते हैं भिंडी मछली भिंडी मछली जबरदस्त मेरी बेगम बनाती है भिंडी मछली अच्छा मैंने जिंदगी में पहली बार टाइप में नहीं नहीं सूखी होती है सूखी सूखी होती है भिंडी मछली देखिए भाई चाइना में बना सकते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल है जिंदगी में मैंने पहली दफा भिंडी मछली खाई भिंडी और मछली मैं सरप्राइज मैंने बेगम ने ये क्या बनाया है ये अच्छा ये तो खा तो सही अच्छा और यहां पे वैरायटी ऑफ अगेन पेमेंट बाय वी चैट हम लोग पे कर रहे हैं 6.5 यूएन हो गए हैं ऑलमोस्ट 70 रुपए इंडिया की भिंडी और यहाँ पे मिर्ची भी है तकरीबन आप देखें लाल मिर्ची है ग्रीन मिर्ची है वैराइटीज ऑफ चिल्लीज आर अवेलेबल हियर ये सिर्फ मिर्ची बेच रही है सारे ये वाली मिर्ची की दुकान है पूरा मिर्ची मिर्ची चलिए आगे भी हम जा रहे हैं गोश्त की दुकान और नीचे अगर आपको ताज़ा कभी चाहिए हो गोश्त तो वो लेफ्ट साइड पे देखो ये दुकान है अच्छा यहाँ पे ये ग्रीन जो दिख रहा है हलाल लिखा हुआ है अरबी में तो आपको फ्रेश अगर चाहिए गोश्त तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पे अगर आप जिंगतेन मार्केट में हैं तो जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं जो चाइना में है जिनको पता नहीं है वो आ सकते हैं एंड ऑल क्रेडिट आई एम गिविंग टू शेरी भाई बिकॉज मेरे को इन्होंने बताया है मेरे को खुद पता नहीं है मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से हूँ लेकिन आई डोंट नो सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू शेरी भाई हम जा रहे हैं गोश्त की दुकान के पास एक दे दो और ये देखिए पूरा गोश्त की दुकान है और ये मुस्लिम शॉप है मुस्लिम है यहाँ पे दुकान पूरा हलाल है दिख रहा होगा आप देखिए अंदर हलाल लिखा हुआ है चाइना हलाल फूड और सलाम अलैकुम अलैकुम सलाम हाउ आर यू ये वाला ये पुराने दुकान है H33 और यहाँ पे मटन अवेलेबल है चलिए आगे बढ़े देखिए चिकन क्या अच्छा काट रहे हैं लोग यहाँ पे सब चीज फास्ट फास्ट है ये देखिए गोश्त अवेलेबल ये भी एक पूरी शेंजन में गोश्त का सबसे बड़ा सप्लायर है अच्छा शेंजन में उनकी सम और भी जगह नॉर्मली यहाँ पर आते हैं तो 600-700 तो 15 दिन चल जाता है
भी ले रहे हैं भाई, ये मटन के पाए और ये मटन और चिकन का वो ब्रेस्ट, चिकन ब्रेस्ट कटवाएंगे इसको। ये बॉयल करे हुए हैं नहीं, ये नहीं, ये साफ आए, साफ हुए हैं, साफ करे हुए। बस जाओ अपन बना लो। हाँ जी जाओ बना लो, सिर्फ काट 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 के भी देते जाएंगे। ओके हमारा पूरा सामान है, ये भी गोश्त लिए हमने, ये चिकन के लेग्स है, सामान है। अच्छा अच्छा मा ढाई किलो अच्छा, इसको भी कटवाते हैं। पाए कटाने जा रहे हैं, आपको बताएंगे हम कि चाइना में पाए को लेने के बाद कैसा काटते हैं मटन वाले। पाए कट रहे हैं अभी, घर में दो बड़े रेफ्रिजरेटर हैं। अच्छा, दोनों फुल हैं इस टाइम, और बेगम मुझे कह रही थी ये नहीं लेकर आना। मैंने कहा मेरा काम है, मैं जगह बनाऊंगा, मैं जाकर जगह बनाऊंगा। दोनों फ्रीजर फुल हैं। अच्छा, ये पाए भी रेडी हो गए भाई, काफी पाए ये तो महीना भर चलेंगे आराम से। किधर महीना भर चलेंगे, दो दबा में खत्म। दस पाए यार, छह पाए, चार पाए, पांच पाए, एक दबा में बन जाएंगे छह पाए। अगर हम लोग दोस्तों के लिए बनाएंगे तो एक दवा में भी नहीं पूरे आएंगे। अच्छा नहीं, ये सिस्टम सही है, यहाँ से लेके आए कारण ज़बरदस्त बना ली। अच्छा, बहुत बेहतरीन भाई, जिसको भी चाहिए, जो भी मुस्लिम भाई लोग देख रहे हैं जो चाइना में फर्स्ट टाइम आए हैं, वो अगर फुतियान में रहते हैं तो वो जिंगतेन आए, जिंगतेन में बहुत बड़ी मार्केट है, तो आप यहाँ से जो है पूरा हलाल गोश्त पाए जो चाहिए वो चीज़ ले सकते हैं आप। ओके शीशी, बाय बाय। पाए भी हम ले चुके हैं अभी, ऑलमोस्ट बहुत सारा सामान ले चुके हैं। ये पूरा सामान आज हमने ख़रीदा है, ये भिंडी है, नींबू है, ये शलजम है, अंडे हैं, गोश्त है, ये वसाबी है, ये चेस्ट है। अरे मैंने बहुत दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराया इसके अंडे यहाँ पे, बहुत अच्छा रेट मिलता है इससे, और अच्छे अंडे ढूंढ के अच्छे अंडे निकाल के देती है ये। ये है अंडे की दुकान, हम आ गए अंडे की दुकान पे, पूरा होलसेल लवन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पता नहीं कहाँ है। पूरे अंडे का स्टोर है, पूरा सब बंद, इतना बड़ा अंडे का बहुत बड़ा काम है भाई, सब बंद है। देखो भाई, जितनी भी दुकानें खुली है तकरीबन पूरे अंडों की है, पूरा सेक्शन अंडों का है, यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत बड़ा है। आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए
पीछे जो भी दिख रहा है ना पूरा अंडे अंडे है सब अंडों के और ये पूरे अंडे ही अंडे आ गए अंडे वाले लापने हाँ लापने हाँ तो तो चूची नो लगा यहाँ से चला अरे नीचे वो चादर लगा लिया अंडे ले रहे हैं अभी शेरी भाई अंडे ले रहे हैं एक बात है शेरी भाई जो है जब खरीदते हैं तो काफ़ी क्वांटिटी में सामान लेते हैं मैंने देखा है वो जहाँ भी जाते हैं तो ले लेते हैं ज़्यादा लेते हैं थोड़ा बहुत नहीं लेते हैं तो भाई लोग आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए नो प्रॉब्लम नो इश्यू अपने को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो वाला नहीं दो थम डाउन मत देना कम से कम डाउन मत देना चाहिए दिस इज़ माय हॉबी इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ मैं कोई मोनिटाइजेशन के लिए पैसे के लिए कोई वो नहीं करता हूँ अगर आते हैं तो ठीक है नो नहीं आते तो कोई वो नहीं है दिस इज़ वन ऑफ माई हॉबी तो यहाँ पर भी वी चैट कितने हमने कितने दो डजन ये भाई 40 के दो प्लेट है ये 40 आरंभी के दो प्लेट सस्ता मार्केट में कहीं भी नहीं कहीं भी नहीं हमारी शॉपिंग हो गई है ऑलमोस्ट तकरीबन हमने तरकारी अंडे गोश्त पाए सब ले चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ और ये मार्केट के अतराफ पूरे काफ़ी रेसिडेंशियल प्लेसेस हैं आप सामने मेरे देख सकते हैं पूरे बिल्डिंग हैं और सामान आ रहा है काफ़ी सामान बहुत बड़ी मार्केट है आप लोगों को कुछ भी भाई हलाल सामान चाहिए तो आप फौरी शेंजन में हैं कोई भी मुस्लिम भाई लोग तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं और अतराफ में इसकी बिल्डिंग है घर है रेसिडेंशियल एरिया ये QR कोड लगा है तो आप यहाँ पे स्कैन करके आप पेमेंट भी दे सकते हैं तो ऑटोमेटिकली गेट आपका ओपन भी हो जाता है हो गया
ये देखिए ऑटोमेटिकली बैरियर ओपन हो गया, हमारा नंबर भी बता रहा है। तो यहाँ पे QR कोड को स्कैन करिए, पेमेंट कीजिए आप अपने मोबाइल से, बस टाइम आपका काफ़ी सेव होता है। हाँ, मोबाइल आपका ज़रूरी है, आपका चाइना में मोबाइल एंड चाबी रखनी है। मोबाइल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है चाइना में, फिनिश, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐप्स ऐसे हैं इम्पोर्टेंट कि आप बिना उसके काम नहीं कर सकते। आप हमने एक पैसा कैश नहीं निकाला, एक रुपया भी हमने, दस पैसे भी कैश नहीं दिए, पूरा कैशलेस, पूरा हमने डिजिटल, आपको देखा आपने पूरा मोबाइल से पैसे पेमेंट किया है। तो ये है तरक्की, ये है मुल्क की तरक्की। तो ऐसे ही मुल्क तरक्की करते हैं क्या भाई, तो हमारे मुल्क भी ऐसे तरक्की होना चाहिए, हमारे मुल्क में भी इंशाल्लाह होगी आज नहीं तो कल। इस पेमेंट कैश पेमेंट सिस्टम में या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में हम लोग अमेरिका से भी एडवांस है, यूरोप के किसी भी मुल्क से एडवांस है, नहीं है ना वहाँ पे, नहीं यूरोप में इतने, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड सिस्टम है। अच्छा, जगह जगह, लेकिन ये सिस्टम अभी वहाँ पर भी, अमेरिका में भी, कनाडा में कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, अब जाकर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग ऑलरेडी 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी यूज टू हो गए हैं। ओके, और आप देखो एक छोटा सा ठेले वाला भी जो है, एक दुकान है, एक ढाबे, जो कहीं भी आप चले जाओ जी, इवन फकीर भी, अभी कैश नहीं होता तो फकीर भी वो QR कोड के लेके फिर रहा होता है भाई। मस्जिद में देखा हूँ मैंने, मस्जिद में फकीरों के पास भी वहाँ पे डिजिटल QR कोड है, तो वो भी पैसे मांगते हैं, छोड़ दिया लोगों ने, कैश ATM जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बैंक जाने की जरूरत नहीं, बड़ी पेमेंट्स के लिए सिर्फ बैंक जाते हैं, वो भी ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, नहीं तो कभी कभार बैंक पेमेंट जाते हैं, नहीं बैंक का तो ऑलमोस्ट सिस्टम खत्म ही हो गया। फकीरों के पास भी QR कोड है भाई, वो भी पैसे डिजिटल लेते हैं मोबाइल में, कैश कोई भी नहीं ले रहा आजकल, कैश होता ही नहीं है, देंगे क्या, नहीं कैश देने में क्या है, दे सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, वो हम 100 देंगे अभी वो छुट्टा देगा, उसमें 3-4 मिनट हमारे ऐसे ही खप जाएंगे, अगर 3-4 मिनट हमारे ऐसे लगाओ तो घंटे 2 घंटे तो ऐसे ही फालतू में चले जाएंगे, फिर पैसे संभालने पड़ते हैं चेंज। आप यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यकीन करो मेरे पास थैली भर के चेंज लाता हूँ जब भी जाता हूँ, क्योंकि वो चेंज आपको रखना पड़ता है वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए जगह पर, और यहाँ पर कोई चेंज कोई वो ज़रूरत ही नहीं है, कॉइन्स की आपका बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई ये छोटा वीडियो हम बनाए थे यहाँ की मार्केट के लिए, जहाँ पे सब्जी फल अंडे उंडे गोश्त सब अवेलेबल था, आपने देखा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए कोई वीडियो में, चाइना एक्सप्लोर करेंगे, अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी तक चाइना बहुत बड़ा है भाई, एक्सप्लोर करते करते थक जाएंगे। ठीक है, जो जो भी अच्छे अच्छे चीज़ें दिख रही हैं हम उस पर वीडियो बना रहे हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।